द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक वॉज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज सेल वॉल इज परमेबल, सेल वॉल इज लिविंग, सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, सेल वॉल इज नॉन लिविंग। जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो एक कॉर्क सेल थी और कॉर्क सेल नॉन लिविंग होती है। एग्जाम्पल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ऑल ऑफ दीज। ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नॉट परमेबल मेम्ब्रेन, नन ऑफ दीज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो होती है सेमी परमेबल, मतलब कुछ सोल्यूट को अंदर जाने देती है और कुछ सोल्यूट को बाहर आने देती है, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन, बोथ ए एंड बी, कार्बोहाइड्रेट, दोनों की बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मेरा चैनल न्यू है, आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। थैंक यू।